शिमला संसदीय सीट से भाजपा की प्रत्याशी ने कांग्रेस प्रत्याशी को आड़े हाथों लिया और उन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास सशक्त प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष नेतृत्व है, जिसने देश की बागडोर संभालते ही देश के हर वर्ग का ख्याल रखा है। जब कांग्रेस के प्रत्याशी धनीराम शांडिल के बारे में भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे मानते हैं कांग्रेस प्रत्याशी दो बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन वे भी राजनीतिक क्षेत्र में बेहद अनुभव रखते हैं। वे भी दो बार विधायक बनकर सिरमौर के लोगों की सेवा करते आए हैं और विभिन्न पदों पर आसीन रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये खुशी की बात है कि शिमला संसदीय सीट से लड़ने वाले भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी फौजी हैं, लेकिन वह उस पार्टी के फौजी हैं जिन्होंने दुश्मन देश पर सर्जिकल स्ट्राइक की है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी उस पार्टी के फौजी हैं जो फौज की सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। इसलिए आज जनता जानती है कि देश किन हाथों में सुरक्षित है, इसलिए भाजपा की विजय पक्की है। यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। मैं बात मानता हूं कि दो बार सांसद रहे और पिछली बार कांग्रेस सरकार में मंत्री थे, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं भी दूसरी बार पछाड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हूँ। इससे पहले पंचायत समिति का मेंबर रह चुका हूँ और बहुत लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ और बहुत सारा अनुभव जिसको आप कहेंगे इस दौरान जो है मुझे रहा है। तो निश्चित रूप से कोई ऐसी चुनौती हमारे समक्ष नहीं है। मैं उस पार्टी का फौजी हूँ जिसने कि सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, और दूसरी ओर जो हमारे दूसरे प्रत्याशी हैं उनका संबंध उस पार्टी से है जो कि सर्जिकल स्ट्राइक के और एयर स्ट्राइक के जो हैं सबूत मांग रहे हैं। तो दोनों में ये फ़र्क है और आज जनता भी ये निर्णय कर चुकी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जनता का मूड बन चुका है। आज महिला मोर्चा का सम्मेलन, युवा मोर्चा का सम्मेलन, अनुसूचित जाति मोर्चा का सम्मेलन या जितने भी हमारे सम्मेलन हो रहे हैं उसमें चाहे किसान हैं, बागवान हैं, महिला हैं, अनुसूचित जाति वर्ग है, युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, जिस प्रकार से 5 वर्ष का कार्यकाल केंद्र सरकार का, 1 वर्ष का कार्यकाल प्रदेश की सरकार का रहा है, उसको लेकर आज जनता का मूड यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है तो तीसरी बार यहाँ से सांसद भारतीय जनता पार्टी का बनेगा और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। जो हाटी समुदाय की मांग की बात है, वीरेंद्र कश्यप जी हमारे जो सम्माननीय सांसद हैं, आज जिस लेवल तक ये मुद्दा पहुँचा है उसको लेकर वीरेंद्र कश्यप जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। और जैसा मैंने पहले कहा कि जितने भी काम वीरेंद्र कश्यप जी ने शुरू किए हैं उन कामों को आगे बढ़ाना ये मेरी प्राथमिकता है, मेरी प्राथमिकता रहेगी, और जितने भी मामले ऐसे होंगे उन पर जो है उनको हम आगे बढ़ाएंगे।